ओके सो गाइस, क्या आप भी कोडिंग करना चाहते हो? अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो आपको कोडिंग में करियर भी बनाना चाहते ही होंगे। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहिए या कहो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं ऐसे टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जो आपको 2021 में पढ़ना चाहिए। और मैं जो ये बताने वाला हूँ ना, वो सीक्वेंस वाइज ही बताने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट में क्या करना चाहिए आपको, सेकंड में कौन सा पढ़ना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। सो आपको भी कोडिंग करनी रहेगी तो वीडियो का एंड तक देखते रहना और जानिए करके कोडिंग में अपना करियर कैसे बनाए, क्या क्या आपको स्टडी करना है। सो हे गाइस, रशीद हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू दिस। सो गाइस, स्टार्टिंग में जो है ना, वो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, बट तुम लोग को ना ये सीखना जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो इसका नाम जो है ना, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। एंड ऑल्सो इसमें जो बेसिक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जो है ना, वो जरूर पढ़ना इस लैंग्वेज को। स्क्रिप्टिंग मीन्स जावा स्क्रिप्ट है इसका नाम। और ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कह नहीं सकते इसको, क्योंकि ये जो है वो HTML में यूज किया जाता है एनिमेशन के लिए। बट तुम ये जो है ना, वो जरूर पढ़ना। इससे जो है ना, तुम्हारे लॉजिक ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। और लॉजिक तो कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है, बिना लॉजिक के कोडिंग कर नहीं सकते तुम तो। लॉजिक और एल्गोरिथम्स तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। अगर कोई भी तुम कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो तो ये मेन बेसिक्स जो है वो तुम्हारे स्ट्रांग रहने चाहिए। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा करके तुम जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना है। वहां से तुम्हारे जो सिंटेक्स है ना, वो तुम्हारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बाकी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में तुमको कोई इश्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। तो गाइस, तुमको जावास्क्रिप्ट के बाद ना, जो सेकंड अपना लैंग्वेज है ना, उसका नाम है जावा। तो तुमको ना ये पढ़ना ही चाहिए। बेसिकली जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब क्या डिफरेंस है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जावा से तुम एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे कि अपने नॉर्मल एप्लीकेशंस रहते हैं ना, जैसे तुम मोबाइल में यूज करते हो, डेस्कटॉप में, वैसे तुम एप्लीकेशंस बना सकते हो जावा से। तो बेसिकली जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत सिमिलैरिटी है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के बाद तुम ना जावा पढ़ लेना, जस्ट बिकॉज सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर और उतना ही अंतर भी है इसके अंदर। बट तुमको जावास्क्रिप्ट के बाद डायरेक्ट जंप करना रहेगा जावा के ऊपर, क्योंकि तुमको जो कोडिंग में बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कोडिंग ही करना रहेगा तो जावास्क्रिप्ट के बाद ना जावा ही पढ़ना। और तुम जावा सीखते हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा बाद के लैंग्वेजेस सीखने के लिए, क्योंकि इसमें जो सिंटेक्स है वो सिमिलर ही है। दूसरे इसमें लॉजिक भी सिमिलर ही, तुमको सारे कोडिंग लैंग्वेज में ना लॉजिक सेम ही रहते हैं और एल्गोरिदम भी सेम ही रहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बट तुमको जो है ना वो अच्छे से जम जाएगा अगर तुम जावा पढ़ते हो जावा स्क्रिप्ट के बाद। और भी कोई तुम दूसरे लैंग्वेज के ऊपर जम मारोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। इसके लिए मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ करके आप जावा स्क्रिप्ट के बाद ना जावा ही पढ़ना, आपके लिए ही अच्छा होगा। सो गाइस, अपना जो थर्ड जो है ना, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए जावा के बाद में। और इसका जो नाम है वो सी शार्प लैंग्वेज है, इसको सी शार्प बोला जाता है। सो गाइस, जो ये सी शार्प लैंग्वेज है ना, वो आप लोगों को जावा के बाद में ही पढ़ना चाहिए। और इसके मदद से ना आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। तो आप लोगों को ना जावा के बाद में सी शार्प ही लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो तुम जावा पढ़ोगे और जावा वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको ना एप्लीकेशन बिल्ड करने तो आ ही जाएगा। तो उसके मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बिल्ड कर पाओगे। और जावा में वैसे भी तुम एप्लीकेशन ही बिल्ड करते हो, या तो तुम वेब एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो जावा की मदद से, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड ऑल्सो जावा स्क्रिप्ट के मदद से तुम जावा और जावा स्क्रिप्ट को दोनों को मिक्स करके वेब एप्लीकेशंस बनाने में भी काम कर सकते हो। सो इसके बाद जावा के बाद तुमको सी शार्प पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाता है और आपको बहुत हेल्पफुल देगा ये आपको एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। सो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको जावा के बाद सी शार्प ही पढ़ना चाहिए। सो गाइस, अपना जो फोर्थ जो है ना, वो आता है सी लैंग्वेज। सो देखो, चाहिए तो आप सी लैंग्वेज पढ़िए जावा के बाद में, या तो सी शार्प पढ़िए, वो आपके ऊपर है। बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप सी लैंग्वेज ही पढ़िएगा, जस्ट बिकॉज आपका जो लॉजिक है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा और सिंटेक्स जो सिंटेक्स है वो अच्छे से हो जाएंगे। तो उसके बाद आप सी शार्प करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जो सी लैंग्वेज है ना, वो बेसिक सी है लैंग्वेजेस की। तो आप जावा के बाद में सी करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो सी लैंग्वेज है वो तो ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशन बनाने में बहुत हेल्पफुल देता है।
आप चाहे तो ट्यूटोरियल देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल पड़े रहेंगे ग्राफिक्स के एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सी पहला पढ़ लेना, फिर बाद में सी शार्प पढ़ लेना। उससे जो है तुम्हारे सिंटेक्सिस और लॉजिक और क्लियर होगा और करियर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सी लैंग्वेज पूरा कीजिए, उसके बाद सी शार्प के ऊपर जंप मारिए, ठीक है। सो गाइस जो अपना लास्ट है ना वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके जो बेसिक्स लैंग्वेज है वो तो हो चुके हैं, ठीक है। जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो सॉरी मैंने गलत बोला, जावा स्क्रिप्ट पहला आया, फिर जावा, या तो सी शार्प या तो सी, ये में से आप चारों में से आपको फुल लैंग्वेजेस पढ़ना ही पढ़ना है, जस्ट बिकॉज आपके जो सिंटेक्सिस और लॉजिक है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए भी बहुत मदद देगा। सो इसके बाद तुम कोई कुछ भी पढ़ सकते हो, जैसे पाइथन हो गया, डॉट नेट हो गया, नोट्स हो गया। अगर आप लोगों को ये चारों लैंग्वेज क्लियर हुआ तो आप चाहे तो ये भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ये लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए। अगर आपका बेसिक्स नॉलेज है ना वो अगर आपका स्ट्रांग हुआ ना तो अगले जो लैंग्वेजेस है उसको पढ़ने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो बस दोस्तों फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर करना कि आप लाइक करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना करके, मुझे इसमें डाउट है तो मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।